We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us. For we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries. The taste of health. फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कर्णन और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूं। हमारा आज का विषय है हृदय रोग से कैसे छुटकारा पाया जाए। हृदय रोग से छुटकारा पाने के लिए आपको सिर्फ 5 चीज़ें करनी हैं। सबसे पहला तो ये कि आपने अपने एंडोथीलियम को सेहतमंद रखना है। एंडोथीलियम यानी कि आपकी रक्त वाहिकाओं के सबसे अंदर की लाइनिंग को एंडोथीलियम कहते हैं। जब आप वनस्पति जगत से प्राप्त आहार खाते हैं यानी फल सब्जियां, खासकर हरे साग, जो कि आज के दिन में उत्तर भारत में आप मेथी कह लें, चौलाई कह लें, पालक, सरसों बहुत नाम से मिल जाते हैं और हमारे देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से देसी साग तो मिलते ही हैं। जब आप इन्हें खाते हैं तब हमारा शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा अणु है जो कि आपकी रक्त वाहिकाओं को अंदर से लचीला, मुलायम और चौड़ा बना के रखता है। रक्त के प्रवाह को निर्विघ्न होने देता है और अनचाहे पदार्थों को अंदर उसकी लाइनिंग से चिपकने नहीं देता है और फिर खून को भी चिपचिपा होने से रोकता है। जब आपका एंडोथीलियम स्वस्थ रहता है तब आप हृदय रोग से मुक्त रहते हैं। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। आपने कोलेस्ट्रॉल खाना नहीं है। पशु जगत से प्राप्त हर आहार में कोलेस्ट्रॉल होता है, चाहे आप अंडा, मांस, मछली लें या फिर आप शाकाहारी हों और आप दूध, घी, दही, मक्खन, पनीर, छाछ इत्यादि लेते हों। यही वजह है कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों लोगों में एक ही तरीके की बीमारियां पाई जाती हैं। हमारा शरीर जितने कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है बना भी लेता है, इसीलिए हमें कोलेस्ट्रॉल बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जब हो जाता है तब हम हृदय रोग के शिकार हो सकते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल से बचें। तीसरा है मार्केट से खरीदी हुई पैक्ड या प्रोसेस चीज़ें। अब आप सोच के देखें, इन चीज़ों में क्या जीवन है, प्राणदायी शक्ति या लाइफ गिविंग एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वो मार्केट से खरीदी हुई प्रोसेस्ड और पैक्ड चीज़ों में होती नहीं है। इसमें आप बिस्किट, ब्रेड, बन, केक, पेस्ट्री, मट्ठी जो भी मिला लें, पकी तली वो चीज़ें जो हम बाजार से लेकर स्वाद के लिए खा लेते हैं, ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं, हमारे हृदय के लिए भी, इसलिए इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है तेल। जी हाँ, वो तेल जिसको हम खाना बनाते समय इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के सभी देशों में अगर लिया जाए तो भारतवासी तेल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं खाना बनाते समय। तली हुई खाने का तो हमें शौक है ही, लेकिन खाने में भी हम छौंक तेल के साथ ही लगाते हैं। ध्यान रहे कि तेल को हम कच्चा तो खा नहीं सकते। जब हम तेल को गर्म करते हैं यानी छौंक लगाते समय या तलते समय तेल गर्म होता है, ये गर्म तेल आपके शरीर में जाकर पशु चर्बी जैसा बिहेव करता है, पशु चर्बी जैसा व्यवहार इसका हो जाता है, यानी कि पशु से प्राप्त वसा, और यह आपके हृदय के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर आप हृदय रोग से बचना चाहते हैं तो छौंक सूखे में लगाएं, गैस धीमी करके लगाया जा सकता है और ये हो सकता है, हम खुद करते हैं अपने घरों में, इसलिए तेल से भी बचना बहुत ज़रूरी है। पांचवे आता है व्यायाम। व्यायाम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अगर आप ये कहते हैं कि हमसे रोज़ व्यायाम नहीं हो पाता, तो भी आप जहाँ भी रहते हैं, जिन इलाकों में रहते हैं, रोज़ शाम को 30 मिनट चलने के लिए निकालें, ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा तेज़ चलें, धीरे नहीं। अगर ये नहीं हो सकता है तो आप सीढ़ियाँ चढ़ें, जहाँ पर भी आप रहते हैं सीढ़ियाँ चढ़े उतरें, लिफ्ट का प्रयोग ना करें। अगर नहीं तो फिर जहाँ पर भी मार्केट जाते हैं तो चल कर जाएं। और फिर स्त्रियाँ भी किचन में खड़े होकर भी जब काम कर रही होती हैं तब कुछ एक व्यायाम ऐसे हैं जो खड़े होकर हम कर सकते हैं, उनको करिए। योगा करिए, अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं
तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतना आप वक्त निकाल सकते हैं कि जिम जाते हैं तो ये भी कीजिए, यानी कि व्यायाम को अपनी जीवन शैली में जरूर शामिल कीजिए। सो हमने आज हृदय रोग से बचने के लिए 5 उपाय देखे। एक तो एंडोथेलियम को स्वस्थ रखना है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल से बचना है, तीसरा दुकान से खरीदी हुई पैक्ड या प्रोसेस चीज़ें नहीं खानी है, चौथा तेल का प्रयोग नहीं करना है खाना बनाते समय। और निश्चित रहिए, ये काम हो सकता है, हम सब कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, बस सीखना है कि कुछ नुस्खे कि कैसे किया जाए। और 5वां है व्यायाम। अगर हम इन चीज़ों को अपनी जीवन शैली में शामिल करते हैं तो हम निश्चित तौर पर हृदय रोग से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। फिट तक में आने के लिए और हेल्दी लिविंग विद शरण में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।